सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी में जो SSR की एंट्री होती है वह अब अग्निवीर के नाम से कैसे होगी। अगर आप लोग को नहीं पता है और आप लोग भी इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो पर अग्निपथ स्कीम ने जो अग्निवीर लेकर आए हैं आप लोग को कंफ्यूज कर दिया है कि क्या आपकी एंट्री होगी नहीं होगी कैसे होगी, तो उसके रिगार्डिंग पूरा इंडियन नेवी ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में डाला है वह मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको उसके बारे में पता चल जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई भी आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, आपको पता नहीं चलता कि कौन सी वैकेंसीज़ निकली हैं या निकलने वाली हैं, तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसका नाम है जॉब इंडेक्स, सेम लोगो है और इस चैनल की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लो। फ़ायदा क्या होगा, कोई भी नई वैकेंसी आएगी जॉब निकलेगी उसके बारे में हम यहाँ पर डाल देंगे, आप खुद ही चेक कर लेना आप एलिजिबल हो कि नहीं हो और आप उसके लिए अप्लाई कर देना। जहाँ की इधर उधर घूमते फिरोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडियन नेवी में जो अग्निवीर अभी तक जो SSR एंट्री होती थी अब उसको अग्निवीर SSR कर दिया है, या पहली लाइन में देख सकते हो। फिर इसके बाद अगर मैं अबाउट दिस जॉब इंडियन नेवी का पढ़ूँ तो उसमें बस इन्होंने यही बताया है कि आप कैसे मॉडर्न शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में या डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट में काम करोगे और इंडियन नेवी की लाइफ को समझोगे एज अग्निवीर। वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, वर्क एनवायरनमेंट आपको आपके ट्रेड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा, आपको आपके काडर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मैं बहुत सारी पहले नेवी पे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप देख सकते हो कि कैसे आपको काम करना होगा। हो सकता है आप टेक्निकल सेलर के उसमें चले जाओ तो आपको रडार सोनार्स पे काम करना पड़े, इलेक्ट्रिकल काडर के अगर आप हो सकता है अगर आप गनरी सीमेन काडर के हो तो आपको गनरी में मिसाइल देखना पड़ेगा, या फिर आपको रॉकेट्स देखने पड़ेंगे, रॉकेट लॉन्चर्स देखने पड़ेंगे कैसे काम करते हैं, या फिर आपको उनका मेंटेनर बनना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग काडर में जाओगे तो हो सकता है आपको इंजन मशीन्स AC रेफ्रिजरेटर्स पंप्स कितने सारी चीज़ें हैं इंजन रिलेटेड बहुत सारा देखना पड़ेगा अपनी अग्निवीर स्कीम के थ्रू। ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, जैसे आपकी अभी तक की ट्रेनिंग होती थी बेसिक ट्रेनिंग चिल्का में होगी, INS चिल्का में, वही आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी जो आपके नेवल एस्टैब्लिशमेंट में होती है। कुल टोटल मिला के यह उसको 6 से 7 महीने का रखेंगे, हो सकता है चिल्का वाली आपकी 2 महीने की कर दें या 3 महीने की कर दें, डिपेंड करेगा। जनरली 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है लेकिन अब इसमें आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी इंक्लूड करनी है तो टोटल 6 से 8 महीने तक का रखा जाएगा। बेसिक ट्रेनिंग चिल्का में हो जाएगी, उसको आपको उसी के बाद आपको अपना ब्रांच मिल जाएगा कि आप किस ब्रांच में जाने वाले हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप SSR एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको 10+2 मैथ्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए और भी कोई इंग्लिश सब्जेक्ट्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी चलेगा, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए 12वीं में, यानी आप साइंस के स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से आपने करा है जो गवर्नमेंट अप्रूव यानी AICTC अप्रूव्ड UGC अप्रूव्ड स्कूल या कॉलेज है वहाँ से आपका पढ़ाई हुआ होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि एज में क्या रिलैक्सेशन है, इसी बार जो फॉर्म अभी निकलने वाले हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ इसी बार आपको 23 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पिछले 2 साल में बिकॉज ऑफ कोविड वैकेंसीज नहीं निकली हैं जिस टाइप से निकलनी चाहिए, तो सिर्फ इसी बार आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, बाकी उसके बाद नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसी नोटिफिकेशंस चाहते हैं कि क्या वैकेंसीज निकल रही हैं क्या है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि आपको जब नोटिफिकेशन की जॉब आएगी, जब उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।